लेना तो जाऊंगा तो मौसम तो रहा जमा खराब देख लो तो इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि महाराज जी को लगन लग रहा किसी का भी। वैसे मैं पूरा हाल हो चुका सभी का बिल्कुल हद से ज्यादा दिन में नुकन मेरा 15 बार 20 बार वीडियो कॉल करा सोनी का भी उठाने बंद कर गई बोले तो हमने साथी भरा की बोले सारा दिन वीडियो कॉल कुकर दिखाऊंग बोली दुद्ध बच्चन रखने लग रही हूँ तो अभी माँ दिखावा मम्मी लियावे फिर तेरा गुच्ची ने लिया तेरा पोता ने लियावे अज ये सारी नौटंकी है ढिड़कुले है ये झूठे मम्मी नुगा मेरा आवे पोता याद हो सच्ची बात है घना पोता याद मम्मी का और के सारा दिन होगा तो मैं पोता बिना मिले मेरा जी घूमना गया पोता ना लियाओ पोता ना लियाओ। सोनी का भी शुरू में तो बिना की कह के गई थी लेकिन उस दिन सोनी का नू बेरा भाई अड़े किसी का भी जी को लगन लग रहा बिल्कुल भी सोनी का बिना और मम्मी उस बिना गुच्ची बिना तो इस चक्कर में सोनी का खुद ही भाई आने लग रही नहीं तो बिना की कह के गई थी शुरू में बोले महीना रह के आऊंगी महीना रह के आऊंगी फिर महीना किसा रह जाओ तो भी अगले ने खुद ने बेरा भाई को नहीं रहा जान लग रहा उस पर भाई घर काम कुम चलने लग रहा तो फिर दोबारा चक्कर लगा तो फिर ले जावे कितनी खुशी हो रही है पूरी खुशी हो रही थी चला पार्टी का दवा नहीं तो उम्मीद ही होती है कैमरा कर लिया लेकिन आज फोन आया सोनी का बोले आज ठीक आज और ले जी और पूरा चाणचक पूरी खुशी हो रही है सच्ची बता सोनी का सोनी कह रहा खुशी है सोनी तो खुशी खुशी में वो भी करने लग रही है कि ना पोचा पाचा मारो बोले आज तो पोचा मारूं कैसे हो उम्मीद कर आप सब बहुत अच्छे हो गए तो बहुत दिनों के बाद मैं आप सबका स्वागत करा हमारा एक और नए ब्लॉग में क्योंकि काफी टाइम हो गया था काफी टाइम तक ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे दिक्कत की थी दिक्कत आपने बता दी क्योंकि मैं घर पर जा रही थी और घर पे जिस तरह दो बच्चे हैं आपने पता है एक तो भाई अड़ा हो गया मंदिर करिए बात इसकी कर दी तो जिस तरह की दिक्कत थी दो हो गए तो भाई वाला हो गया और एक मेरला हो गया सिर्फ भतीजा अगर मेरला हो गया तो दोनों जने इतने चिंगड़ जाया करते सच्ची बताऊं जो मैं आप उठती जिस तरह भाई निर्णावासी मुंह धोया कराने वो मुंह भी मैं 12-1 बजे धोया करती क्योंकि जिस तरह उस टाइम मम्मी और भाभी और काम करने लग जाती छोटनी भाभी और बड़ने भाभी जिससे थोड़ी बहुत तबीयत खराब चल रही है तो भाभी और मम्मी और काम करके आया करती 11-12 बजे तब आया करती भाई और के पास में तब मैं उठ के वॉशरूम जाया करती मुंह मा धो के आया करती भाई इतना बुरा हाल हो रहा था तो ब्लॉग तो बहुत बहुत दूर की बात थी कि मैं ब्लॉग बनाऊं और जिस तरह आप सबके कमेंट आया करते कि आपने ब्लॉग शुरू करे थे बीच में बंद क्यों कर दिए तो भाई रीज़न यही था और इब देख लो एक तो ये सुत्या और वो ममता ले रही है भाभी ले रही है उसने अरे वो आया सुरेश आज लेने में तो आज लेने आ रहे हैं तो इस चक्कर में मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ क्योंकि भाभी आ चुकी है और मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ और ऊपर तो मैं ब्लॉग इसलिए बनाने लग रही हूँ क्योंकि मम्मी ने रोज मैंने एक बात कह दे वह है कि तू जाओगी तेरे सासरे में जाके तो ब्लॉग बना ले वह है और मारे ना बनाती बिल्कुल भी तो मैंने कहा कि माँ ऐसी कोई बात को नहीं तनी बेरा पूरा दिन ये भाई सुन ना देते और इस तरह मम्मी और भाभी और भाई सुबह काम करें शाम ना काम करें तो दिन में मैं इन्हें दे के भाई किस तरह ब्लॉग उसकी शुरुआत कर दूँ मैं सोचूँ कि सुबह भी काम करती शाम ना काम करती दिन में बेचारी थोड़ी देर रेस्ट कर लेवेंगी फिर दिन में भी इन्हें रख ही जाऊँ और जुड़वा बच्चे इधर काम हो रहा है एक सागर रोएंगे एक सागर हंसेंगे ऐसा तो कोई नहीं रोए पूरे दिन कोई उसने वॉशरूम कर दिया कोई उसने वॉशरूम कर दिया इतनी परेशान हो रही इतनी परेशान सच्ची बताऊं पूरा दिन मैं 1.5 से 2 घंटे सोऊं दिन रात मिलाकर 24 घंटे जागना पड़ा है क्योंकि इतना बुरा हाल कर रखा है इन दोनों बच्चा ने मेरा तो ये चले तो जुड़वा को नहीं सोचू थी जिसका जुड़वा हुए हैं तो उनका क्या हाल होता होगा इस तरह का अपने जींद में बताऊँ 3 लड़की एक साथ में हुई हैं तो उसका घर में क्या हाल हो रहा होगा मैं सोचूँ यार क्या हाल हो रहा होगा किस तरह पढ़ती होगी बेचारी वह तो फिलहाल सुरेश आया है और ब्लॉग सुरेश ने पहली वहाँ से शुरुआत कौन करी थी क्योंकि देखो मैंने चार्ज लगा कि फ़ोन फिर शुरुआत करी कि फ़ोन चार्ज कौन था बिल्कुल भी मैंने पता है कौन था मेरा आईफोन कड़ा पड़ा रहा वह कड़ा नहीं पड़ा रहा था तो ये बा के संभाले है ये वाला ब्लॉग शुरू कर दे मतलब ठीक है ये वो फिलहाल मम्मी जा रही है भाई दुख लगाना तो मम्मी और मोनू स्त्री भी आ जाएंगे फिर मैं आगे आप लोग लेंगी भाई के कुछ है के कुछ नहीं और बाल के देखो बाल मैंने 2-3 दिन हो गए भाई भाई कौन है लेकिन ये मैं नहाऊंगी धोऊंगी बाल पाऊंगी और फिर जान के तैयारी करूंगी और जान का नाम पापा पता है मम्मी का के वो रहना है सुरेश ने जिस भाई
बेचे हैं मैं बोल के एक महीना की आई थी, लेकिन आए 29 दिन हुआ था तब फ्रेशन होने लग गया था। मेरे पूरा हफ्ता भी मुश्किल छोटी है, और वो भी मम्मी बिल्कुल लड़ झगड़ के ना मैं कौन भेजू मैं कौन भेजू मैं कौन भेजू, तब तब जाके एक हफ्ता निकाला इनने, मैंने एक हफ्ता छोटे थी। अब शुरू में एक महीने की आई थी कि एक महीने रह आऊंगी मैं, लेकिन एक महीना बहुत दूर की बात है, कहे हैं 15-20 दिन रह आइए फिर घर चली जाइए। मैंने कहा इसी थोड़ी नोया कर रही, मेरी छुट्टी खत्म हो जाऊंगी, और छुट्टी खत्म होने के बाद मैं फिर वही ड्यूटी और घर पाने के बाद में वही बच्चा संभालना, फिर मैं जिस तरह घर पर किस तरह जा पाऊंगी। मैं इमोशनल तो बहुत करा भाई इन्हें, लेकिन कोई को नहीं ला मेरा जी को लागा, मेरा जी को लागा ये भी इससे पूछूंगी क्यों को लागा इसका जी बताओ, इतनी जल्दी क्यों लेना आ गया, एक महीना नाम लेकर आई थी मैं है किसे किस बात पर को लाग रहा तो गुच्ची में भेज दूंगा आपका फिर लग जावा है? तो मेरे मेरा तो लग जाएगा जी ना ना के ना कौन लगा गुच्ची तो मैं भेज दूंगा आपको लाज गुच्ची की मम्मी भी जरूरी है नुका है तो बाकी मम्मी आई कर मम्मी वापर नु कह दे मैं कौन भेज दी सोनी कौन फिर मम्मी ना ये नु कह दे मैं कौन भेज दू सोनी कान फिर क्या करोगे लड़ाई करके मम्मी तो लड़ाई कर लोगे अब इतने दिन कौन रह सिनू एक एक महीना रह के जाऊ है छोरी आपको घर और आप मैंने 5 दिन भी ना छोड़ते तेरे यहाँ कोई बात थोड़ी ना हो जी को लगा है मेरे घर का भी तो कौन लगा है उनके उनने भी तो 20-25 साल पाली हूँ बेचारा ने ओ कौन लगा जी हो आठ फला कौन लगा जी ये हमारा दना दना रात सुते है वो हमारे गुच्ची खेलने लग रहा है इतना क्योंकि सो गया तो वो खेलने लग रहा है तो परमानेंट ने एक तो गोदी चाहिए चाहिए ये भी सो गया तो बच गया ये भी उसने सुहाने लग रहे हैं तो ये बाबी फिलहाल उड़ा रही है तो इस चक्कर में भाई मन थोड़ा सा आराम मिल रहा है वरना तो पूरा दिन बस पूछे मत ना अनिल ने चला रखा है इन्हें LED चला रखी देखने लग रहे हैं हाँ सुरेश की फोटो देखिए इसमें पिछाने सुरेश ये तो मोनू है ये इसमें सुरेश इस फोटो में सुरेश है इसमें ये मोनू की फोटो हो गई मेरी भीतर पड़ी है मोनू की और भी बहुत सारी अंदर लग रही है और ओम टूर की क्या करो था मैं ओम टूर बहुत जल्दी दूंगी मैं बस थोड़ी सी पुट्टी पाटी और करवा लें फिर देवांगे ओम टूर आपने बहुत जल्दी यहाँ का क्या करने लग रहे हो फोन में ट्रेन देखो थोड़ा काम से ट्रेन घुमा घुमा के लाओगे मैंने तो ई बाप जी कुकर लग देगा यार तो देखो आज की बात होगी फिर मैंने उन्हें घर छोड़ दो आप घूमे आओ के काम पे जाओगे हैं काम है कुछ जम्मू जम्मू जाओ तो मैंने भी चलो ना जम्मू मैं भी वैष्णो देवी जाऊंगी यार तो सुनो गुच्ची ने भी चला है साथ में गुच्ची छोटा बच्चा है सुनो इतना छोटा भी तो को नहीं मैं भी चल पड़ूंगी यार छोटा बच्चा है छोटे बच्चे घूम रहा है लोग एक महीने पर घूमने लग जा कर मैंने कह भी नहीं होगा यार सुनो अरे तो बच्चा और बच्चा भी तो देखना जरूरी है तो बच्चा गोद में ले लूंगी हैं नाल के नीचे लगा रखा थोड़ा मैं थोड़ा बता माई बे मन टेम लग था भाई है दर्द टेम ना खेत लिए पहले सुरेश रखे लिया करता सुरेश भी रोवा है गणेश में देखा ने माई नु कहते कौन भेज दी दखत लड़ाई में जाई ले जाओ दखत ले जाओ रोया
ना अम्मा मालिश करे रो है अम्मा यो बेरा के कहो अम्मा सुरेश तू सुरेश ने कही पे नु कहते भेजू तो हूँ आगे भिन्न फिर लेके आओगा 20 दिन पछे हैं 20 दिन पछे फिर कुटा के ले जाएगा बीस दिन रह जाए मम्मी हम आनू का चल 20 दिन तो चल लगी फिर दोबारा फटाने ले आऊंगा कब आई देख ले दिक्कत कड़ा हुआ है रेण में दिक्कत रेण माओ माँ को फिटवाने तो हर हफ्ता आ जाए अगर से देख ले तू ही कट दुख थी मेरी गलती क्यों सी इसका तर दो बना रखे सोने ने भवन लायक सुना गई या के करेगी या मार 5 मिनट मुत में बदली थी पजामी सुनो 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 आप बताओ सच्ची बदली थी नहीं वापस हमने आधा घंटा तक गिली थी भैया जा यार बढ़िया माँ इबे बदली थी दोबारा वो कर दी मैं की करू मां महाराज नहाने का मूड कर गया था कुफती गर्मी हो रही थी और मैं सुरेश आमी आ गया नहर बनाना है नहरों पानी आ रहा है फिलहाल तो ये नहाओगे और मन तो बाकी मैं क्यों मेरा घर तो ही हो रहा है दिखाओ कड़े है हमारा घर या पेड़ रहे हैं दिखाती हूँ ये दिखना रही हमारा घर है इतनी दूर है बस नहर तुम्हारा और यह नहर है तो डूंगी तो बहुत ज़्यादा चौड़ी इतनी है चौड़ी देख लो हम इतनी चौड़ी है और डूंगी बहुत ज़्यादा है तो मैं आमी तो नहाने की आदत है उरे क्यों मैं तो वही दिन में दो दो दिन तीन बार गोते लगाया करती दिन में गर्मियाँ छुट्टियाँ में जब भी पड़ा करते सारे दिन नहाई जाती नहर में और सुरेश होना आदत कोनी थी नहीं नहाने की तो सुरेश बोला ना देखिए कदे डूब जावे मैं बोली मैं तो डूबू कौन देखो दे आप डूब जाओ और ये देखो भाई जब आंधी आई ना जब पेट पाट टूटे गए थे हमारे ये जुआड़ी है जुआड़ी टूट गई थी इसका बहुत बेर लगा करती मैं बहुत बेर खाया कर देड़ लेकिन एक डाल टूट गया एक डाल रह रहा है फिलहाल हम करने लग रहे हैं नहाने की तैयारी और इतनी हरियाली हो चुकी है यो हमारे घर तक घर जाने का भी मेन जो नहर तक जाने का रास्ता बना रखा है यो इतना सा इतनी हरियाली हरियाली हो रही है बिल्कुल देखो नहर का नज़ारा कितनी हरियाली है कितनी हरियाली है जमा और सुरेश थोड़ा पहुँच गया है ये मम्मी मारा गोते बड़ा है सुरेश देखे देखिए डरपोक देखिए 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 मेरा पेट दिखा हुआ है ये अगली बारी मेरी आओगी धूप ना चाहिए हैं डूब ना चाहिए वो रखे भाई मारा दान इबे बोए हैं ये छोटे 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 दिखते होंगे हमें इबे बोए हैं 4-5 दिन हुए हैं बोया ना और यहाँ तक अगर दिखा यो पेड़ अड़ गया तो भी कौन दिखा है क्योंकि सारे पेड़ पेड़ अड़ गए पहले तो दिख जाता है ना दिखा देना सुरेश कर नान की तैयारी फिलहाल मैंने भी चुनी चानी बांध के मेरी तैयारी कर ली है चानी बांध के पूरी तैयारी कर ली है खींच दी तैयारी अरे मैं गोता लगाऊं तो भाई सोने का बारी है बाकी मेरे चोट भी लग रही है इसके पैर का चोट भी लग रही है कोई बात नहीं तू गोता काट देख बड़ा नीचे जा गए लंबा गोता काटी तो भाई मैं तो गड्ढा गोता ठंडा ठंडा पानी था मजा आ गया तो मजा आवा लेकिन इसमें तो ऊपर पत्ते पुत्ते हैं ना ये पत्ते पुत्ते नया पानी है पत्ते पुत्ते हैं ना नया पानी है आज हां ताजा पानी आया तो इसका भी पत्ते पुत्ते देख कितनी बड़ी सूल गड़ी देख सूल गड़ी कोई बात नहीं
तो अभी सुनी गई अपने कुत्ता कट दिखा होगी कई सालों बाद नहर में कूदेगी चल डूबी तो कले आजगा ब्लॉक बंद हो जाओगे एकदम फोन छोड़ दू डूबू को नहीं मन तिरना आगे लेकिन बाकी भी एक साल हो गए ना प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा था एक साल कड़ा मैं तुम कि बरा कैसा लम कूदा हां ना मैं बताऊं मार मार के रे होगा लेकिन बाकी तो बहुत ना आगे दिन पर लगा गड़गड़ कुत्ते गड़ जाऊं मेरे तोड़ लाइक दिस मेरे साथ जा मार दे चल चल जा बाबा ये मार के नाम कुत्ता गड़ आ जा वापस इस साइड घुमा ले देख अरे को चढ़ना तो नहीं बैठा आना देख ले धीरे धीरे करके हाँ बस मड़े मड़े मारे तो ज्यादा जो तेज ना मारा राम राम तो इतना कुत्ता कटे थे पहले कुत्ता में सोने के आसमस नीचे गुचड़ गुचड़ करके बैठ जाए फिर मैं कट के लिया थोड़ा हाँ उरू सर उरू तो फिर लगा जी तो गाइस नानू क्या दी हाँ हाँ के लिए चल रहा है पहली पहली बार तो मैं खुद ही ना थोड़ा सा तो मेरा यूँ लगा क्योंकि कम तक मैं एक डेढ़ साल बाद मैं नहाई थी मैं एक डेढ़ साल पहले ही नहाई थी लेकिन फिर बिल्कुल रिलैक्स हो गया कोई दिक्कत नहीं ये तो ना गणे गोते लगा लिए गणे गोते लगा लिए ये तो मुझे आगे जो मैं ना गया और हमें लेट होने ला रहे क्योंकि 6 बज गए हैं और 2.5 घंटे का हमारा सफ़र जान का है तो बिल्कुल रात हो जाएगी तो मम्मी इतने बाइक गए जिससे नुआन दुआन लाई थी बाई ने और नुआ दुआ देगी इतना हम पहुँच जाएंगे जल्दी बस मतलब कपड़े चेंज करने हैं और बाल बूल गाड़ी में सूखे जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है अरे मम्मी ने कहो दिखे ना आया ही मम्मी देख सुनावेगी दिखे कि भाई तू ठंडा पानी क्यों ना आई क्योंकि मम्मी अभी मैंने गुनगुना सा पानी करके दिया करे कि उससे पानी ना आया कर और मोनू ने मेरी डांट लगाई क्योंकि मैं चैन कौन काट के आई थी मोनू बोला नू निकल जावा तू फिर दिक्कत हो जाएगी अंगूठी ना निकाल कहीं मैं कौन सी रही फिर बोला निकल जा फिर बता कड़े ढूंढा गई तेरी डूंगी नहर है यार गहराई बहुत ज़्यादा इस नहर की तो बोला कड़े ढूंढा कड़ा यूँ करा मोनू में तो बहुत ज़्यादा डांट लगाई लेकिन फिर सुरेश ने मोनू थी शांत कर दिया बोला कोई दिक्कत कौन निकल टाइट है इसके अब बोला चैन भी कौन निकल बोले यार पानी में है नूला इतनी लंबी चैन है हर एकदम तो निकल जाती तो लेकिन चलो इस चीज़ का मैंने ध्यान कौन दिया बाकी ध्यान देना चाहिए था यार मैंने भी मैं बॉली पूछूँ ये यहाँ गिठा गया मुँह अरे हम पूछ के घर पे यो घर हो गया या नहर होगी बस इतनी दूर पर घर है मेरा यो गुल्ली का खेल कर राजी हो रहा है लेकिन गुल्ली इसने पिछाड़ता भी कौन ही कह कौन है मैं ना जानता था ना यो भाभी गल है ममता गला बात करने लग रहा राम है ममता ने जाने से जानता ही कौन ही बाकी ने सुनो अपनी जाने की तैयारी होगी एक बात नोट करिए अपने मम्मी ने एक बार भी कोई नहीं बेरा है पल्लम नु कौन अरे बाप ने बेरा नहीं देखिए मम्मी का सामना कौन करेगा जाओगे तेना ये देखिए रोगी पक्का रोगी नहीं नहीं ना घूमती आंडा कोई नहीं ना मेरे सामने नहाती है सामने नहाती मम्मी चलो और के रखा तो सारा दिन यार आपने भूल गए हो हाँ आपने भूल गए रियलिटी में मैंने भी जाना होगा मैं तो ना क्रिश देख कैसे सोता है ठीक है चलो आज मम्मी का सामना करना पड़ेगा जल्दी आ जाओ ठीक है ना जूस रख दे ना रख दे केड़ा काका हाँ ये सारा दिन जूसे पियो हैं ना है जूस ना है मम्मी का सामना कर लिया मम्मी आपने बताओ क्या सुनाओगी सुनाओ मतलब की रो रोगी है ना अंजन चले क्यों स्कूल में जाओगी मैं डील हुई थी मंडे ने जाना है ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਡੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੇਪੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲेंगे ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਦ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਸ ਕੋਨ ਪੜਿਆ ਕਰੇ ਆ ਰਾਤ ਐਪੜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਨੇ ਤੋ ਗਾਸ ਕਾ ਬੰਨਾ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਲ ਨੇ ਹੀ ਵੀ ਗਾਸ ਕੋਨ ਸਾ ਟਾਈਮ ਪੜਿਆ ਨੇ ਗਾਸ ਪੜਨ ਪੜਿਆ ਹੀ ਕੋਨ ਕਰੇ ਜੁਆਰ ਕੱਟਿਆ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜੁਆਰ ਗੱਲ ਫੜਿਆ ਕਰੇ ਆ ਜ਼ੱਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
अरे आज तो तेरे दादी दूर जाओगे आज मैं जाऊंगा मेरे नानी दूर रोन आ रहे मम्मी का जिस तरह इमोशनल सी हो ना आएगी आएगी हां तो मन भी रहा है गा तो धक्कल पड़ जाए थोड़ी देर मूड ऑफ करके या क्या बहो दुपना ममता खड़ा कर की थी मम्मी लक्की तो लाने दो कचरा ठीक है तैयार ओके आना मैं की करा दिया काम की कर दिया और की बार आओ तो बलता हूँ दो तेरे मुके मार दूंगी मजाक में कहो थी तेरे मम्मा तेरे कुर्ते को ले ना तीन नहीं लाई कुर्ते को ले ना मैं तो इतना बोल लेता गर्मी में इस तरह सुहाऊंगे और बुढ़े आ रहे हैं पीढ़ियों बुढ़े आ रहे पूछा उतना बेटा पकड़ रहे तो नानी तो कौन बोल दो फिर गांधी मारो ना जा कचा जी कर देना फिर मैं जाना जी बन गया।
चल कर फिर मार कर चलो लेट ना करो देख जमा लेट हो गई मैं पैर की वजह चालू हूँ तो सीमान का तल्ले ही थी वापिस लेके जाओ मैं उड़े की बोली ये कौन है ये कौन है की बात करता है कौन तो दिखाई और मुझे ये तो तारी है ये कौन है ये मेरा तारी मेरा न थकी ये कौन मनु की साली है की मनु साली मनु बुआ बता क्या मनु सकल तुम पिछाड़ मानती सारी सेम से है किसी पाऊंगी छोटी छोटी घिया तोड़न लग रही है सही है बतेरी बहुत आज तू अपना अरे सेठ की बात को नहीं सुनू थोड़ी घर की गई है एक तो सुतरी कौन देख दी मन तो चला ठीक है बाय बाय कर दे बुई ने बाय बाय कर दे बुई ने बहुत जल्दी मिलेंगे बेटा ठीक है अच्छा बन जाओ मेरे कुत्ते के पास अरे अरे देखा ना सुरेश की करा भाई नानियों का गुच्ची अड़ा छोड़ जाओ और थामी चले जाओ गुच्ची खातर तो यू आया है गुच्ची जा टोकाले मेरे बड़े हुआ है नजरिए यो देख यो ड्रामी ला भाई ना कर ले मैं रात होगी वैसे क्यों हम तो रात और तो काम करी पाओगे यार उड़ा फिर थामे तेन सासू बहुत दुखी हो जाएगी ठीक है जल्दी चक्कर मार लूंगी 10-15 दिन मार लूंगी ठीक है रक्षाबंधन पा लूंगी तेना 15 दिन रह जाऊंगी शायद रक्षाबंधन पाऊंगी 15 दिन रह रक्षाबंधन के 15 दिन रह रहे होंगे जी जाऊंगी नू कहूं ना नू गति 15 दिन रह जाऊंगी नू कन गोथी मां सच्ची में ब्लॉग में सुन लिए चल रहे हैं हां रक्षाबंधन पाऊं 15 दिन रह रहे होंगे ठीक है ये पणवासी क्या कर रहे हैं पणवासी की होंदे होगी शायद तू के बार होगी के होगी आज 15 दिन रह रहे मुश्किल से ठीक है जल्दी आओगे भी जल्दी ठीक है उरा
ममता पूरा बेटा आ जा देखो पूरा बाय जानता चलने को नहीं मम ममता सुन लगी से रखगी अब गांव राखो पूछ ले बाने दौरा करता जल्दी सब ठीक होगा टेंशन ना ले बहन फिर तेन गाने रही मम्मी का ध्यान रखिए अजीत कार सारे का ठीक है सोनू मौसम का ध्यान रखिए ठीक है कर लो गारा पूरा फिलहाल समझदार कौन है करा कौन है समझदार करा तू ही होगी ना ठीक है तेन मेरा मम्मी ने बेचारी थी नॉलेज कौन ठीक है सारे ध्यान रखिए बाइक दे बिट्टू मम्मी ने बाइक दे बाय मम्मी शांत हो तो आखा पानी बेचारी भाई इन्हें यही तो रखा करती सारी बार कली कली रहूगी बड़े दिन मतलब कोई ज्यादा बोल दूसरा भाई तो सही थी दोनों भाई ने सोमी जान दी बेचारी जिनकी बच्चे तो कुछ अब कभी तो मकुद के बच्चे तेरे बाकी इस तरह